हाय, आई एम किरण शापुरी एंड ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं अवेकनिंग एंड यूनिवर्स। और यूनिवर्स का कार्ड देखिए किसी चीज के कंप्लीट होने की बात करता है, किसी चीज को लेकर एक क्लोजर भी मिलने की बात करता है, एक फेज, एक चैप्टर के एंड होके नए फेज, नए चैप्टर के शुरू होने की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट एंडिंग्स, डिफरेंट बिगनिंग्स किसी भी लेवल पे या तो हो रही हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं। और पीछे किसी भी चीज पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो उससे भी रिलेटेड एक कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, और एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, या फिर अदरवाइज जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनकी तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, अवेकनिंग का कार्ड कहीं थोड़ा सा पॉज लेने की बात करता है। होता है ना, नई बिगनिंग करने से पहले हम चीज़ों को और समझना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा ही आप भी करते हुए दिख रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को देखना समझना चाह रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि अपना परसेप्शन बहुत सारी चीज़ों को लेकर बदलते हुए दिख रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ एडजस्टमेंट्स अगर आपको करने पड़े तो वो भी आप करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं रिन्यूअल एंड मूवमेंट्स, चॉइसेस एंड डिसीजंस। और देखिए, रिन्यूअल के कार्ड को भी अगर हम लिटरली देखें तो ये कार्ड भी फिर से नई शुरुआत या फिर नई बिगनिंग होने की या फिर करने की बात करता है। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए किसी लेवल पे किसी तरीके की अगेन नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। और पर्सनल फ्रंट में भी आप किसी लेवल पे एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को रिव्यू करना चाह रहे हैं कि पास्ट में आपने क्या ऐसा किया जिससे आप परेशान हुए, आप उदास हुए, और क्या किया जिससे एक खुशी, एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आई। और देखिए, जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया उनसे एक लर्निंग लेके, जिन चीज़ों की वजह से एक हैप्पीनेस आई उनको ही आप परस्यू करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी इस वीक आपको लेनी है, इसीलिए आप चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं या फिर मैं कहूँगी रिव्यू करना चाह रहे हैं। और देखिए, कहीं एक बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है, आपको एक डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है, और इसी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, मन ही मन फिर से मैं कहूँगी, आप चीज़ों को लेकर बहुत श्योर हो रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या डायरेक्शन लेनी है। और देखिए, अगेन एक शिफ्ट, एक मूवमेंट भी आपके पर्सनल फ्रंट में आता हुआ दिख रहा है। फिर से कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आप लेते हुए दिख रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है बैलेंस। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक एक बैलेंस जरूर आप मेंटेन करें, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है स्कॉर्पियोज, जब भी किसी भी तरीके का डिसबैलेंस हमारी लाइफ में आता है, तभी एक परेशानी, तभी एक प्रॉब्लम भी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। क्योंकि कोई चीज़ भले ही कितनी भी अच्छी हो, जब हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं
तब उस टाइम तो हम नहीं देख पाते, उस टाइम हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर के लिए एक परेशानी, एक टेंशन हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। जैसे कि देखिए, खाने में नमक बहुत अहम है, और यही नमक जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तब खाना जितना भी टेस्टी बने वो खाना ख़राब हो जाता है। इसीलिए कोई भी लाइफ का एरिया हो जहाँ पे कोई भी चीज़ अगेन भले ही जितनी भी अच्छी हो, जब हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो फ्यूचर में उस चीज़ को हम अपने ही हाथों से ख़राब करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।